What's up people, this is GURJOT from the official YouTube channel of GURJOT Creation. Welcome back to new video of GURJOT Creation. पर जैसा कि आपको पता कि यहाँ पे मेरे चैनल पे जो अधिकतर यहाँ पे व्यूअर्स है, अधिकतर जो ऑडियंस है वो यहाँ पे फोटो एडिटर है या फिर ग्राफिक डिजाइनर जो भी है। पर जैसा कि आपको पता ही होगा कि यहाँ पे जो टेक्स्ट डिजाइनिंग होती है वो भी यहाँ पे ग्राफिक डिजाइनिंग का ही यहाँ पे एक पार्ट है। और यहाँ पे टेक्स्ट डिजाइनिंग में यहाँ पे फॉन्ट का बहुत ही बड़ा यहाँ पे जो इम्पोर्टेंस होता है जैसे कि आपको पता होगा। वैसे तो गाइस आपको अलग अलग तरीके के डिजाइन में यहाँ पे अलग अलग तरीके के यहाँ पे फॉन्ट्स चाहिए होंगे, बट गाइस यहाँ पे जो कुछ कमर्शियल फॉन्ट्स होते हैं, अगर आपको नहीं पता कमर्शियल फॉन्ट्स क्या होते हैं तो मैं आपको बताता हूँ, सिंपल और अच्छे मेरी था बिल्कुल। बाकी फॉन्ट्स में डिपेंड करता है कि सिचुएशन क्या है, यहाँ पे कौन सा डिजाइन बना रहा हूँ, बट कमर्शियल फॉन्ट का क्या है, लगभग हर तरीके के यहाँ पे डिजाइन में यहाँ पे कमर्शियल फॉन्ट्स बिल्कुल फिट से हो जाते हैं। और इसमें आज आपको कुछ ऐसी टॉप 50 कमर्शियल फॉन्ट्स देने वाला हूँ जो कि मेरी नजर में जो टॉप 50 है काफी बढ़िया बढ़िया, जैसे कि यहाँ पे आप मेरे स्क्रीन पे देख पा रहे कैसे ये सारी फॉन्ट जो है ये सारे आपको यहाँ पे मैं देने वाला हूँ, जिन्हें कि आप अपने मोबाइल में भी यूज कर सकते हैं, पीसी में भी यूज कर सकते हैं, फोटोशॉप में यूज कर सकते हैं आप एडोब फोटोशॉप में जो कि पीसी में होता है, और मोबाइल में भी आप इन्हें पिक्सआर्ट और यहाँ पे पिक्सल लैब की मदद से यहाँ पे यूज कर सकते हैं। और ये सारे ये जो फॉन्ट्स आपको फ्री में डाउनलोड करने को मिल जाएंगे बिल्कुल एक क्लिक में, और इसे आप यूज भी कर पाएंगे बहुत ही इजिली अपने मोबाइल फोन में। तो चलो हम देखते हैं किस तरीके से इन 50 कमर्शियल फॉन्ट्स को यहाँ पे फ्री में डाउनलोड करेंगे एक क्लिक में, और यहाँ पे इन्हें यूज किस तरीके से करें अपने मोबाइल फोन में। चलो फिर ज्यादा देर ना करते इस वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे जो कमर्शियल फॉन्ट्स जो मैंने 50 जो टॉप 50 कमर्शियल फॉन्ट्स हैं उन्हें यहाँ पे सिंपली डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आपको जो है इस वीडियो के यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में जाना, आपको ऊपर में यहाँ पे जो सबसे ऊपर एक लिंक देखने को मिलेगा आपको सिंपली जो उस पर यहाँ पे क्लिक कर लेना। क्लिक करते ही आप जो कुछ ये वाले पेज पे पहुंच जाएंगे, जैसे आप देख सकते हैं टॉप 50 कमर्शियल फॉन्ट्स 2020 ज़िप फाइल डाउनलोड इन वन क्लिक फॉर फोटोशॉप पिक्सल लैब एंड पिक्सआर्ट। यहाँ पे इस पेज पे आने के बाद आपको सिंपली यहाँ पे नीचे की थोड़ा सा स्क्रॉल करना है, तक आपको ये एक येलो कलर का एक डाउनलोड का बटन आपको देखने को मिलेगा, जैसे कि आप ये देख सकते हैं ये डाउनलोड का बटन। थोड़ा और इसे स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपको और एक यहाँ पे डाउनलोड का बटन देखने को मिल जाएगा, मतलब आप तो यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे जुड़वा भाई कहाँ से आ गए दोनों। तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे आपके लिए यहाँ पे डाउनलोड करने के यहाँ पे मैंने दो ऑप्शन रखे हैं, आप दो तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं जिस भी तरीके से आप कंफर्टेबल हो। पहला तरीका ये जैसे कि आप यहाँ पे पढ़ के देख सकते हैं डाउनलोड 50 कमर्शियल फॉन्ट इन वन क्लिक थ्रू गूगल ड्राइव फोल्डर। तो गाइस यहाँ पे दोनों ही जो तरीके हैं जो गूगल ड्राइव से ही आपके यहाँ पे लिंक्ड है, बट पहले तरीके में क्या है कि यहाँ पे पहले मैं आपको डाउनलोड पे क्लिक करके दिखा देता हूँ, और हमारा यहाँ पे गूगल ड्राइव यहाँ पे ओपन हो जाएगा जैसे आप देख सकते हैं। और यहाँ पे पहले तरीके से क्या होगा, यहाँ पे आपके सामने एक फोल्डर खुल जाएगा गूगल ड्राइव का। इससे क्या हो सकता है, आप चाहो तो यहाँ पे कोई भी इंडिविजुअल फॉन्ट यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हो, कोई भी एक जो भी आपको पसंद हो, या फिर जो आप सारे ही एक क्लिक में डाउनलोड कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे मैं कोई भी यहाँ पे आपको डाउनलोड करके दिखा रहा हूँ, जैसे कि सिंजल ब्लैक करके एक जो यहाँ पे फॉन्ट है, तो यहाँ पे मैं इसके 3 डॉट्स पे क्लिक करूंगा, यहाँ से मैं डाउनलोड पे यहाँ पे क्लिक कर दूंगा, जिससे कि यहाँ पे जो मेरा पर्टिकुलर जो सिंजल ब्लैक वाला फॉन्ट है वो यहाँ पे मैं डाउनलोड कर पाऊंगा। अगर गाइस मैं चाहूँ कि यहाँ पे जो सारे यहाँ पे मैं एक क्लिक में डाउनलोड कर सकूँ, सिंपली यहाँ पे मेरे को 3 डॉट्स पे क्लिक करना है, यहाँ से मैं जाऊँगा सिलेक्ट ऑल, और नीचे में एक डाउनलोड का ये बटन जो देखने को मिल जाएगा आपको इस पर क्लिक कर देना। अब यहाँ पे मेरे पास पहले से सारे अवेलेबल हैं, यहाँ पे मेरे को सारे डाउनलोड करने कोई मतलब है नहीं, आप जो इसी तरीके से सारे डाउनलोड जो कर सकते हैं फॉन्ट एक क्लिक में। और ये तो हमारा पहला तरीका था, अब गाइस दूसरा तरीका मैं आपको बताता हूँ, उसके लिए यहाँ पे हम बैक जाएंगे, और जैसे पे नीचे थोड़ा स्क्रॉल करके आपको और यहाँ पे डाउनलोड का बटन देखने को मिलेगा, आप ये देख सकते हैं। और गाइस ये जो बटन है ये है जिप फाइल के लिए, जैसे वैसे यहाँ पे मैंने फॉन्ट्स का एक जिप फाइल यहाँ पे बना दी थी सारे फॉन्ट्स की, ताकि आपको यहाँ पे ज्यादा झंझट ना हो, आप सिंपली एक जिप फाइल डाउनलोड करें उससे एक्सट्रैक्ट करें वहां से ऐड कर सके, ये मेरे को ज्यादा अच्छा तरीका लगता है वैसे। तो सिंपली हम यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करेंगे, फिर से हम यहाँ पे जो यहाँ पे रिडायरेक्ट हो जाएंगे गूगल ड्राइव में, और जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जिप फाइल यहाँ पे हमारी हो चुकी है डाउनलोड, यहाँ पे सिर्फ 2 MB की यहाँ पे जिप फाइल थी। अब गाइस यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ इन्हें आपको जो इन्हें यहाँ पे यूज किस तरीके से करना, और गाइस यहाँ पे जैसा कि आप देख ही सकते हैं टाइटल में हमने लिखा है टॉप 50 कमर्शियल फॉन्ट जिप फाइल डाउनलोड इन वन क्लिक फॉर फोटोशॉप पिक्सल लैब एंड पिक्सआर्ट। आप इसे इन तीनों में से आप किसी में भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं। मैं गाइस यहाँ पे सिंपली आपको सिर्फ पिक्सल लैब का बताऊंगा कि बेस्ट एप्लीकेशन है मोबाइल में टेक्स्ट वगैरह के डिजाइनिंग के लिए। तो आप जो पिक्सल लैब की एप्लीकेशन की आपको यहाँ पे लिंक नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। यहाँ पे पिक्सल लैब में डालने से पहले यहाँ पे हम सिंपली यहाँ पे जो जिप फाइल को यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पे जिप फाइल को एक्सट्रैक्ट करने के बाद हमें क्या मिलेगा। चलो फिर एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं यार। और यहाँ पे मैंने फाइल मैनेजर यहाँ पे जो ओपन कर लिया, यहाँ पे हम जो जिप फाइल को आप एक्सट्रैक्ट कर सके सिंपली यहाँ पे जो फाइल वाले सेक्शन में आ जाएंगे, और यहाँ पे जिप फाइल को आप डाउनलोड किया तो यहाँ पे हम डाउनलोड के फोल्डर में सिंपली जाएंगे, हमें यहाँ पे सबसे ऊपर में देखने को मिल जाएगा 50 कमर्शियल फॉन्ट बाय गुरजोत क्रिएशन डॉट जिप ऐसे करके। तो सिंपली हम जो इस पे क्लिक करते हैं यहाँ से हम जाएंगे एक्सट्रैक्ट हियर, और यहाँ पे हमारी जो एक्सट्रैक्ट हो चुका है यहाँ पे फोल्डर, जैसे कि अब गाइस हम यहाँ पे इस फोल्डर को यहाँ पे ओपन करके देखते हैं, यहाँ पे आपको सारे के सारे जो 50 यहाँ पे फॉन्ट्स है आपको देखने को मिल जाएंगे। बहुत सिंपल था यहाँ पे एक्सट्रैक्ट करना। चलो हम गाइस यहाँ पे पिक्सल लैब एप्लीकेशन का पे ओपन कर लेते हैं,
और यहाँ पे देखते हैं इन स्पॉट्स को यहाँ पे यूज किस तरीके से करेंगे, इंस्टॉल किस तरीके से करेंगे। तो चलो यहाँ पे जल्दी से ओपन कर लेते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने प्ले स्टोर में इस एप्लीकेशन को यहाँ पे सर्च किया और यहाँ पे ओपन किया है। सिंपली हम यहाँ पे ओपन के बटन पे यहाँ पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पे इसे खोलते ही आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको काफी बेसिक से यहाँ पे इंटरफेस देखने को मिलता है। न्यू टेक्स्ट सा लिखा है आपको यहाँ पे नीचे में राइट हैंड साइड में आपको पांच ऑप्शन देखने को मिल रहे होंगे ये कुछ ऐसे। यहाँ पे दूसरा ये जो टेक्स्ट का ऑप्शन है जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे इसमें टेक्स्ट को कुछ एडिट करने के यहाँ पे कुछ यहाँ पे टूल्स वगैरह दिए गए हैं। तो थोड़ा सा नीचे जैसे आएंगे यहाँ पे आपको एक फॉन्ट का यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिलता है जैसे कि आप देख सकते हैं। इस पर हम यहाँ पे सिंपली क्लिक करेंगे। यहाँ पे मैं जाऊँगा यहाँ पे माइक और जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पास कितने ही ढेर सारे यहाँ पे फॉन्ट्स यहाँ पे मैंने पहले ही ऐड करके रखे हैं जैसे कि आप चेक कर सकते हैं। तो क्या आपको यहाँ पे ये भी पता होना चाहिए कि यहाँ पे ये सारे फॉन्ट भी यहाँ पे मैंने पहले ही शेयर किए हैं अपने चैनल पे। जैसे कि आप देख सकते हैं वहां पे मैंने 500 पूरे फॉन्ट दिए थे जो कि यहाँ पे मेरे पास इंस्टॉल्ड हैं। तो गाइस अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप यहाँ पे ऊपर आई बटन पे क्लिक करें आपको वो वीडियो देखने को मिल जाएगी। आप यहाँ पे पूरे 500 फॉन्ट भी डाउनलोड कर सकते हैं। अब गाइस यहाँ पे हम इधर आते हैं कि यहाँ पे इन फॉन्ट को किस तरीके से आप इंस्टॉल करेंगे। जैसा कि आपको सर्च बॉक्स एक देखने को मिल रहा होगा जैसे कि आप देख सकते हैं तो यहाँ पे सर्च बॉक्स के यहाँ पे बाजू में आपको दो बटन देखने को मिल रहा है। जो टी प्लस करके लिखा हुआ एक फोल्डर में आपको प्लस का बटन देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे टी प्लस से क्या होगा अगर आपको कोई इंडिविजुअल फॉन्ट यहाँ पे ऐड करना है जैसे कि यहाँ पे हमने एक इंडिविजुअल जो फॉन्ट डाउनलोड किया था अगर हमने उसे ऐड करना है तो यहाँ पे हम इस पे क्लिक करके उसे ब्राउज करेंगे अपने फाइल मैनेजर में और वहां से हम सिंपली ऐड कर लेंगे। बट गाइस यहाँ पे हमने जो 50 फॉन्ट्स यहाँ पे डाउनलोड किए और हमें गाइस यहाँ पे पूरा फोल्डर यहाँ पे इम्पोर्ट करना है तो हम यहाँ पे फोल्डर पे जो प्लस का बटन है इस पर हम सिंपली क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम जो उस फोल्डर को यहाँ पे ब्राउज करते हैं यहाँ पे हमारे डाउनलोड के फोल्डर में था वो फोल्डर डाउनलोड पे क्लिक करते हैं। जैसे आप देख सकते हैं 50 कमर्शियल फॉन्ट्स बाय गुरजोत क्रिएशन ऐसा करके आपको देखने को मिल जाएगा। बस आपको जो इस फोल्डर पे भी आप क्लिक करना होगा यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं आपको सारे फॉन्ट्स यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। सिंपली हम यहाँ पे ऐड डायरेक्टरी पे यहाँ पे क्लिक कर देंगे और जैसे कि आप देख सकते हैं अब जो हमारे सारी जो यहाँ पे 50 कमर्शियल फॉन्ट्स है वो सारे हमारे ऐड हो चुके हैं जिनके आप अपने किसी भी यहाँ पे कमर्शियल प्रोजेक्ट वगैरह में यूज कर सकते हैं। बहुत ही यहाँ पे प्रोफेशनल से फॉन्ट्स है जैसे कि आप यहाँ पे ये वाला देख सकते हैं जो लेमन मिल्क करके ये मेरे को काफी ज्यादा पसंद आता है। यहाँ पे मैं इसे सिलेक्ट करके यहाँ पे ओके पे क्लिक करूंगा। सिंपली यहाँ पे जो न्यू टेक्स्ट लिखा है इस पर मैं दो बार यहाँ पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे एडिट करने का ऐसे ऑप्शन खुल जाएगा जैसे कि मैं लिख के आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं सिंपली लिखूंगा यहाँ पे गुरजोत क्रिएशंस यहाँ पे मैं करूंगा डन और जैसे कि आप देख सकते हैं कितना प्रोफेशनल और कितना क्लासी लग रहा है एकदम ये जो टेक्स्ट है हमारा। अरे आप समझ ही करोगे यहाँ पे इन सारे फॉन्ट्स को यहाँ पे डाउनलोड किस तरीके से करना है यहाँ पे इंस्टॉल किस तरीके से करना है। इसी तरीके से कुछ हमने यहाँ पे इन फॉन्ट्स को यहाँ पे यूज करना है। देख यहाँ पे जैसे कि आप ये वाला देख सकते हैं काफी ओल्ड स्कूल टाइप का यहाँ पे फॉन्ट है। पिक्सार्ट में काफी ज्यादा पे यूज करता हूँ मेरा बहुत ही यहाँ पे फेवरेट फॉन्ट है ये। इसके बाद आप कीप काम देख लें या फिर कोई भी आप फॉन्ट देखें काफी प्रोफेशनल यहाँ पे फॉन्ट जो है सारे जो हमारे फॉन्ट्स काफी प्रोफेशनल है। तो आपको पता चल गया होगा कि इन सारे फॉन्ट्स को यहाँ पे यूज किस तरीके से करना है। और गाइस अगर आपको ये नहीं पता कि यहाँ पे पिक्सल लैब एप्लीकेशन को किस तरीके से यूज करना है तो आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करो क्योंकि इस पे भी मैंने यहाँ पे पहले एक वीडियो बनाई है कि पिक्सल लैब में आप अपने टेक्स्ट वगैरह किस तरीके से एडिट कर सकते हैं किस तरीके से पूरे एप्लीकेशन को आप यूज कर सकते हो। तो जल्दी जाओ वो भी वीडियो एक बार चेकआउट कर लो। तो आपको सारी चीजें यहाँ पे पता चल गई फॉन्ट्स किस तरीके से डाउनलोड करना है इंस्टॉल करना है यूज करना है तो आप इंजॉय करो। बट उससे पहले एक और काम करो अगर वीडियो पसंद है उसको लाइक जरूर करो। तो नीचे मेरे को कमेंट बताओ कि नेक्स्ट वीडियो में आप कैसे फॉन्ट देखना चाहोगे और क्या कंटेंट देखना चाहोगे आने वाले वीडियोस में। तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें तभी तो आपको यहाँ पे जो काम की जो चीजें आपको देखने को मिलती रहेंगी। तो फिलहाल चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो की तैयारी करते हैं फिर तब तक के लिए बाय फिर चलते हैं और क्या।